हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हो मास्टर शेफ़, और आज हम लोग बनाएंगे पनीर चिली ड्राई। आज हम लोग बनाएंगे जो इसका सबसे सिंपल तरीका है, उस तरीके से बनाएंगे। आप घर पर बहुत ही इजी तरीके से बना पाओगे। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया करीबन 250 ग्राम का पनीर है। तो अगर आप घर में बना रहे हो तो अपने हिसाब से आपने काट लेना है। अगर आप रेस्टोरेंट में बना रहे हो तो आपको स्लाइस पनीर लगेगा इसके लिए, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैं इसको 3 भाग में काट लूँगा और मैं अब इसको स्लाइस में काट लूँगा। तो ये स्लाइस थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, तो मैं नाइफ़ को थोड़ा सा टेढ़ा करके काट रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से काट लेना आपने, ये देख सकते हो आप। इसको भी काट लेता हूँ मैं, या आप इस तरीके से भी काट सकते हो। आप डाइस भी काट सकते हो, स्लाइस भी काट सकते हो। अगर आप घर में बना रहे हो तो इस तरीके से काट लेना, अगर आप रेस्टोरेंट में बना रहे हो तो स्लाइस काटना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस तरीके से। चलो तो मसाले में सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट, थोड़ा सा जाएगा इसमें वाइट पेपर, थोड़ा सा जाएगा इसमें ब्लैक पेपर, ठीक है। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच जाएगा मैदा। अगर आपको वो ज़्यादा नहीं कुछ डालना तो आपने सिर्फ कॉर्नफ्लावर डाल के इसको मिला देना है, सिर्फ कॉर्नफ्लावर, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ सिंपल तरीका बता रहा हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ कॉर्नफ्लावर मिलाऊँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर आपने इस तरीके से पनीर को उठा लेना है, इस तरीके से। अब हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मीडियम गर्म कर लेंगे और उसको फिर ऑयल में डाल देंगे और एक ही बार में ये फ्राई हो जाएगा। इसको हाफ डाउन करने का कोई हमको वो नहीं है, सिर्फ हल्का सा ये ब्राउन हो जाए, ऊपर से क्रिस्पी हो जाए बस। तो इसको फ्राई करने में करीबन 2 से 3 मिनट लगता है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगता फ्राई होने में। अब लोग देख सकते हो इसका जो कलर है वो ऊपर से देख सकते हो, गोल्डन कलर हो चुका है। तो थोड़ा सा और मैं इसको फ्राई करूँगा। अब ये जो है आप लोग देख सकते हो, इसका जो एकदम परफेक्ट कलर हो चुका है, एकदम परफेक्ट फ्राई हो चुका है। इसको हम लोग निकाल लेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं इसको बनाने के लिए। ये ग्रीन चिली चॉप, ये कैप्सिकम स्लाइस और कांदा स्लाइस, छोटे छोटे साइज़ का एक एक पीस ले। पनीर हमारा जो फ्राई करा, ये गार्लिक चॉप, जिंजर चॉप, ये स्प्रिंग कांदा, वो आप जो मतलब कि स्लाइस या चॉप करके काट सकते हो। ये अपना विनीगर, सोया सॉस, टमाटो केचप, चिल्ली सॉस, और टमाटो केचप उसने 2 बार लगा दिया, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आप। तो आते हैं कढ़ाई पे। तो सबसे पहले ऐड करा मैंने इसमें ऑयल, उसके बाद जाएगा इसमें 1 चम्मच गार्लिक चॉप यानी कि लहसुन का चॉप, 1 चम्मच जाएगा अदरक चॉप यानी कि जिंजर, 1 स्पून जाएगा इसमें चिल्ली चॉप। स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इसको हम लोग मिला लेंगे, एकदम ब्राउन नहीं करेंगे इसको। इसको करीबन 80 से 90% तक हम लोग फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसको कच्चा रखेंगे। तो चाइनीज़ खाने में गार्लिक एकदम फ्राई नहीं होता, जैसे इंडियन खाने में ब्राउन होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हो चुका रेडी, इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेता हूँ मैं, बस हो चुका। अब इसमें हम लोग डाल देंगे कैप्सिकम स्लाइस और कांदा स्लाइस। ये एक छोटा छोटा है, छोटा कैप्सिकम स्लाइस किया था, छोटा प्याज। आप चाहो तो इसकी क्वालिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग वेज स्टॉक। वेज स्टॉक की रेसिपी मैंने आपको सिखा रखी है, अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हो। अगर आपको सीखनी है तो इंडियन फूड का पार्ट 1 में जाके आप सीख सकते हो। तो करीबन इसमें मैंने 1 डब्बू डाला वेज स्टॉक, उसके बाद जाएगा 2 रेड चिल्ली, सोया सॉस करीबन 2 टीस्पून सोया सॉस, थोड़ा सा जाएगा इसमें विनीगर, विनीगर का थोड़ा सा कलर चेंज है क्योंकि इसमें वो सोया सॉस का लग गया इसमें, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये विनीगर था। अब आएंगे मसाले में, मसाले में डालेंगे हम लोग सबसे पहले टमाटो केचप जाएगा 1 स्पून। अब ऐड करेंगे हम लोग इसमें चिल्ली सॉस 1 स्पून। स्पाइसी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा स्प्रिंग कांदा डालेंगे और इसको मिला देंगे। मसाले में जाएगा नमक, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, बहुत
थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा वाइट पेपर, चुटकी भर वाइट पेपर, थोड़ा सा जाएगा इसमें ब्लैक पेपर। अब इसको हम लोग मिला देंगे। अब हमारा जो हमने पनीर को फ्राई करा था, थोड़ा सा ग्रेवी को पका के ड्राई कर लेना, ठीक है। उसके बाद पनीर डाल देना, और ये है कॉर्नफ्लावर पानी में घुला हुआ, करीबन 1 से 2 स्पून डालना। पहले 1 स्पून डालना, अगर देखना ड्राई हो गया तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा और ऐड कर देना। ऊपर से डाला हमने स्प्रिंग कांदा, अब इसको अच्छे से मिला देंगे। अब आपने जितने स्पीड आप इसको मिलाना मिला सकते हो उतना स्पीड मिलाना है। करीबन 1 से 2 मिनट के अंदर आपने इसको निकाल देना है, जिससे कि ये हमारा जो पनीर है सॉफ्ट ना हो जाए, ठीक है। अगर आप इसको स्पीड से मिलाओगे और स्पीड से निकाल दोगे तो ये क्रिस्पी रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा धीरे धीरे मिलाओगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पनीर चिल्ली बनके रेडी हो चुका है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। थैंक यू सो मच।